जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ रहा है WPL एलिमिनेटर लेकर। मुंबई का गेम बहुत सैड था। दो मैच पहले तक लग रहा था कि कंफर्टेबली टेबल टॉप ये करेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। दिल्ली ने उनका खेल बिगाड़ दिया और अब उनको छोड़ दिया कि जाइए आप यूपी से भिड़िए, और अगर आपके बस की जीतना है तो फाइनल में आइए, वरना फिर यूपी आ सकती है। यूपी और MI का जो एलिमिनेटर है उस मैच की हम बात करेंगे, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे पास पिच को लेकर है और फैंटेसी टीम तो हम बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात। प्लेइंग 11 में जो MI का प्लेइंग 11 है वो सबसे स्टेबल रहा है। स्टेबल इन द सेंस कि एक आध रेयर चेंज कोई उन्होंने किया है, वरना पूरे टूर्नामेंट सेम प्लेइंग 11 के साथ मुंबई जा रहा है। हिली मैथ्यूज ओपनिंग कर रही है, उनके साथ आपका ओपन कर रही है यस्तिका भाटिया, 3 नंबर नेट स्काइवर ब्रंट, 4 नंबर हिली में सॉरी हरमनप्रीत कौर, फिर 5 नंबर अमेलिया कैर, 6 नंबर पूजा वस्त्रकर आ गई हैं वापस, फिर इजी बोंग हैं, उसके बाद साइकी इसाक हैं और अमनजोत कौर हैं। ऐसे करके ये प्लेइंग 11 पूरा हो रहा है जिंती मलिक कलिता युमायरा काजी के साथ। दूसरी तरफ यूपी ने भी जो हॉर्सेज फॉर कोर्सेज की रणनीति अपनाई शुरू के कुछ मैचेज में, शबनम इस्माइल वर्सेज ग्रेस हैरिस वाले में, लेकिन पिछले मैच में दोनों को खिलाया। क्या रणनीति उनकी रही कि भाई एक मैच में जिसमें चेज कर रहे हैं उसमें ग्रेस हैरिस को खिला लो, जिसमें बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं उसमें आप खिला लो शबनम इस्माइल को, है ना, इस तरीके से। लेकिन अभी पिछले मैच में दोनों को खिलाया। आगे क्या होने वाला है? आगे ये होने वाला है इस मैच में कि एक तो पिच को लेके बहुत इंटरेस्टिंग, नहीं चलो प्लेइंग 11 ही खत्म कर देता हूँ। यूपी का प्लेइंग 11 एल ए सीली के साथ ओपन कर रही है। आपका देविका वैद्या को करा रहे थे लेकिन वैसा हुआ नहीं, वो चली नहीं, तो श्वेता सहरावत से पिछले मैच में कराई। हो सकता है कुछ निगल भी हो और इस मैच में फिर से वापस आ जाए। हालांकि 12 पे 23 की एक अच्छी पारी श्वेता ने भी खेली। 3 नंबर किरण नावगिरे, 4 नंबर तहलिया मैगराथ, फिर ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा, सोफिया क्लस्टन और सोयन सोयन करके ये पारी, सिमरन शेख वगैरह ले ला के ये 11 इनके हो रहे हैं। गेम कवर की बात करूं मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर्स में, तो सबसे ज्यादा गेम कवर जो है वो है नेट स्काइवर ब्रंट का, अमेलिया कैर का, हिली मैथ्यूज का, दीप्ति शर्मा का और सोफिया क्लस्टन का। क्रिस हैरिस को भी जोड़ लीजिए उसमें, कितना कितना है वो आपको दिख रहा है। पिच में पेच ये है कि जैसे जैसे लीग जो स्टेज के गेम थे वो बढ़ने लगे थे तो पिच धीमी होती जा रही थी, लेकिन यहाँ क्या होगा देखिए। अभी हालांकि कंफर्म नहीं है और कंफर्म जब होगा तो वो भी बताएंगे, लेकिन एस्पेक्ट मैं ये कर रहा हूं कि एलिमिनेटर के लिए और फाइनल्स के लिए फ्रेश पिच रहे। फ्रेश पिच का मतलब, फ्रेश के पिच का मतलब कि जैसे टूर्नामेंट के शुरू में मैच हो रहे थे ना 200 वाले, 200, 180, 190, वैसा मैच होने की संभावना है। ये जो 150, 55, 60 पे आ गई थी बात, ये इसलिए क्योंकि पिचेज यूज्ड पिचेज थी, स्पिन होने लगी थी बॉल तो रन उतने नहीं बन रहे थे, धीमी पड़ गई थी पिचेस। लेकिन एलिमिनेटर और फाइनल्स मोस्टली ये रूल भी रहता है कि जो टूर्नामेंट आप खेलते हैं उनके फाइनल्स और एलिमिनेटर के लिए फ्रेश पिच दी जाती है, तो उम्मीद है कि यहाँ भी फ्रेश पिच दी जाएगी। अगर फ्रेश पिच मिली तो हाई स्कोरिंग गेम होगा और बॉलर्स के लिए पिच में थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, ये बात समझिएगा। अब आगे आ जाते हैं फैंटेसी टीम पे। तो आपकी फैंटेसी टीम इस मैच की क्या होने जा रही है उसकी चर्चा कर लेते हैं। फैंटेसी में सबसे पहले खेलना है आपको, खेलना है विजन 11 ऐप पर, बड़ी शानदार जानदार जोरदार जबरदस्त ऐप है, क्लिक करिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम चैनल पे भी है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और खेलिए, शुरू करिए जीत की जर्नी और कमाइए खूब सारा पैसा। फैंटेसी टीम में बात करूं मैं तो देखिए यहाँ पे कुछ चॉइसेज है जो आपको स्मार्टली करनी पड़ेंगी। जैसे विकेट कीपिंग, एलिसा हीली है, यस्तिका भाटिया है, दो चॉइस है आपके पास। अब आप किसको लेंगे ये आपके सरदर्द, आपको सरदर्द देने वाली बात है, लेकिन चूंकि बड़ा मंच है ना, और बड़े मंच में एलिस हीली खेली है बहुत बार, फॉर्म यस्ते का भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन बड़े मंच पे उतना खेलने का अनुभव नहीं है, तो एलिमिनेटर्स का प्रेशर तो होगा ही ना कि यार आज हारे तो इतनी मेहनत खराब चली जाएगी, दैट इज द थिंग, है ना। और एलिस हीली तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप विनर है, तो मुझे लगता है कि नर्व्स को ज्यादा अच्छे से होल्ड एलिस हीली कर पाएंगे, और कैप्टन भी है तो एलिस हीली मेरी विकेट कीपर रहेंगी। बैटर्स में आ जाते हैं, हरमनप्रीत कौर, तहलिया मैकरा, दो आपके पास ऑटोमेटिक पिक है, यहाँ कोई चेंज नहीं है। तीसरी किरण नवगिरे को लेके जा रहा हूँ क्योंकि श्वेता सहरावत है वहाँ, दूसरी तरफ ऑप्शन ही नहीं है बैटिंग में कोई, किसको लेंगे?
है ना। तो इसलिए फिर क्या होगा कि किसी धरा गुज्जर है लेकिन वो उनका तो पता ही नहीं कि बैटिंग आएगी नहीं आएगी, अमनजोत कौर है बैटिंग आएगी नहीं आएगी, है ना। तो किरण नवगेरे श्वेता सहरावत में है कंपटीशन। किरण नवगेरे थोड़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है श्वेता सहरावत के कंपैरिजन में, इसलिए मैं उनको प्रीफर कर रहा हूँ, बाकी और कोई रीजन नहीं है। आप चाहे तो श्वेता के साथ भी जा सकते हैं। ऑलराउंडर्स में आ जाते हैं, अब यहाँ पे खेल शुरू होता है। देखिए हिली मैथ्यूज सबकी ऑटोमेटिक पिक है, एमेलिया कैर सबकी ऑटोमेटिक पिक है, लोचा क्या है, ग्रेस हैरिस, नेट स्काइवर और दीप्ति शर्मा, तीन में से दो किसको चुने। ग्रेस हैरिस हर मैच में कम से कम दो बार गेंदबाजी कर रही है और एज ए बैटर बहुत क्लासिक फॉर्म है। नेट स्काइवर का फॉर्म डिप हुआ है लेकिन चूंकि कंडीशंस बैटिंग फ्रेंडली रहने की संभावना है तो एक बड़ी इनिंग इनसे आ सकती है बड़े मैच में। दीप्ति शर्मा एज ए बैटर बहुत ज्यादा एबिलिटी दिखा नहीं पाई है और एज ए बॉलर चूंकि अगर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस रही तो बहुत ज्यादा एबिलिटी दिखा भी नहीं पाएंगी, इसलिए मैं नेट स्काइवर को लेके जा रहा हूँ, दीप्ति को ड्रॉप करके जा रहा हूँ। लोग क्या करेंगे, केयर एमेलिया और मैथ्यूज को तो लेकर आएंगे, ग्रेस हैरिस दीप्ति में से किसी एक को लेके आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली दीप्ति को लेके आएंगे, तो ये यहाँ ब्लफ हो सकता है लोगों के साथ। जब हम ऑलराउंडर सेम कॉम्बिनेशन में लेके जा रहे हैं, कैप्टन हिली मैथ्यूज क्योंकि ओपन करेंगी, चार ओवर डाल सकती हैं, एमेलिया केयर का भी सेम केस है, यहाँ बदलाव हम कर सकते हैं पिच के हिसाब से, नेट स्काइवर को बना सकते हैं, ग्रेस हैरिस को बना सकते हैं या और भी सोचेंगे, और ऑप्शंस भी हैं। बॉलिंग में नीचे जाएंगे, सोफिया क्लस्टन एक ऑटोमेटिक चॉइस है, इजी बॉन्ग ऑटोमेटिक चॉइस है, फिर बची शबनम इस्माइल या साइकी ईसा। पिछले तीन मैचों में साइकी ईसा को एक विकेट मिला है, शुरू के मैचेस में बहुत अच्छी फॉर्म दिखाई थी, अब फॉर्म डिप हो गई है, और शबनम इस्माइल को पिछले मैच में दो विकेट मिले। अनुभवी खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, बड़े मंच की प्लेयर हैं, तो यहां पे इनका एक्सपीरियंस कम टू द फोर आ सकता है, स्पेशली स्पेशली अगर एमआई पहले बैटिंग करती है तो। अगर एमआई पहले बॉलिंग करती है तब फिर हम यहां शबनम इस्माइल की जगह साइकी इसाक को लेकर जा सकते हैं। इतनी सी बात थी फैंटेसी की, अब ये अपडेटेड टीम आपको चाहिए होगी, तो अपडेटेड टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे मेरे पे, जिससे आपको जुड़ना है। कैसे जुड़ना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में लिंक दे रखा है, क्लिक करके जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर। इन केस ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, सीधे जाइए टेलीग्राम ऐप पर, वहां जाके सर्च कीजिए क्रिकेटोलॉजी, ढेरों चैनल दिखेंगे, उस ढेर में से हमारा वाला ये चैनल निकाल लेना, ठीक है, और ज्वाइन कर लेना। तो हमारी और आपकी मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा WPL फाइनल में, और उसके बाद फिर IPL तो आ ही रहा है, उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। फिलहाल इजाजत दीजिए, टाटा बाय बाय, जय माता।